हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका टाइटल है सॉलिड स्टेट। ओके, जैसा कि आपने सॉलिड स्टेट को कई बार नहीं सॉलिड के बारे में कई बार पढ़ा भी है पिछली कक्षाओं में, 11th, 9th, 10th सभी में आपको सॉलिड के बारे में पढ़ने को मिला होगा, लेकिन हम इस ट्वेल्थ में सॉलिड से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस लेवल पे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम सॉलिड स्टेट से संबंधित कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने जैसे ये लिस्ट दिख रही है हमारे पॉइंट्स की, तो एक बार मैं रीड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। इसके बेस पे कई प्रकार के सॉलिड हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आएगा यूनिट सेल इन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल लैटिस। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वो पैकेजिंग ऑफ सॉलिड्स का होगा कि सॉलिड कैसे पैकिंग उनकी कैसी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे पैकेजिंग एफिशिएंसी। इसके बाद हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स को। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दैट आफ्टर दैट बैंड थियोरी ऑफ मेटल्स। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स को। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपके एग्जाम पे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाते हैं जो आपको आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, जो हमारा पहला पॉइंट था इस सिलेबस का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है, जैसे कि आपने 10th में 11th में पढ़ा है, ठीक है। सभी कोई जानते हैं मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, यानी कि वह हर एक पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, और वह अपना एक स्थान को, एक एरिया को कवर करता है, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही वो भी मैटर के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि एयर। एयर आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन एयर का भी क्या होता है, एक अपना मास होता है और एक एरिया होता है, ठीक है, जो कवर करती है। इसी के जैसे आप फैन देख रहे हैं, आसपास आपकी चेयर है, मोबाइल है, बुक्स हैं, ये सभी मैटर के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखेंगे कि ये जो मैटर होता है इसी से रिलेटेड है हमारा क्या, आपका सॉलिड, ठीक है। मैटर तीन तरह के होंगे जनरली, लिक्विड होगा, सॉरी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा, ठीक है। तीन फॉर्म पे आपको मैटर देखने को मिल जाते हैं। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इस लेवल पे, देखिए अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ा था, ठीक है, 11th, 9th, 10th तक जो भी हमारा था नॉर्मल हम डिफाइन कर देते थे। अब इस चैप्टर पर हमें इसे डिटेल करना है, हमें डिटेल से समझना होगा मैटर को, सॉलिड को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी बातों को समझिएगा। जैसे कोई भी चीज़ बनी होती किससे, एटम से, ठीक है। एटम से मिलके कोई भी मैटर बना होता है, ये आप जानते हैं। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें होती, ये भी आपको पता है, जर्नल सी बात है। अब यहाँ पर हम कैसे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर डायनेमिक, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के बारे में आपको 11th में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि जो काइनेटिक थ्योरी है वो डिपेंड है आपकी टोटल मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि जो आपका मैटर होता है, मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक मैटर का जो अपना एटम होता है वो अलग होता है, वो किसी से समानता नहीं रखता, दूसरे मैटर से समानता वो नहीं रखता है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उसका नेचर होता है। यही यहाँ पे क्या कह रहा है, काइनेटिक थ्योरी कह रहा है। अब इसी काइनेटिक थ्योरी पे हम एक बात करेंगे काइनेटिक मोशन की।
काइनेटिक मोशन क्या होता है यहाँ पे, कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मोशन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सबस्टेंस इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फिजिकल स्टेट्स। ओके, चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट को मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपका मैटर है, ठीक है, मैटर। अब ये मैटर किससे मिलके बना होगा, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। ओके, चलिए ये छोटे छोटे एटम्स मिलके इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो आपका दो, मान लीजिए यहाँ से हम ले रहे हैं क्या, एटम्स, ठीक है, ये हमने ले लिया एटम्स को। अब ये एटम्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे मोशन करते हैं, यानी कि ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, दूसरे से तीसरे की पोजीशन पे ये ऐसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यही मोशन होता है, जो इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे काइनेटिक मोशन बोला जाता है, ठीक है, काइनेटिक मोशन। अब आप समझ रहे होंगे काइनेटिक मोशन हम, मैं किसे बोल रहा हूँ, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है उसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो जब मोशन करते हैं, ठीक है, तो इस मोशन के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं थ्री फिजिकल स्टेट में, तीन फिजिकल स्टेट में हम इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो पहले में हो जाएगा सॉलिड, दूसरे में हो जाएगा लिक्विड और तीसरे में हो जाएगा आपका गैस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हम काइनेटिक मोशन के बेस पे ये थ्री फिजिकल स्टेट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो आप पहले बताएंगे कि व्हेन काइनेटिक मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट, यानी कि जब किसी भी मैटर पे जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, चारों तरफ घूम फिर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब काइनेटिक मोशन मैक्सिमम हो तब ये कहलाता है गैसियस स्टेट, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आता है कि व्हेन काइनेटिक मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मिनिमम इट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, जब किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो काइनेटिक मोशन है वो मिनिमम हो, यानी कि जैसे हम दो एटम्स ले लें, अब इन एटम्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये क्या करेंगे, मोशन नहीं कर पाएंगे, ये अपनी जगह पे ही क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यानी यहाँ पे काइनेटिक मोशन क्या है, मिनिमम है, बहुत कम है, ना के बराबर, तब इस कंडीशन पे ये कहलाएगा सॉलिड, ठीक है। अब देखिए गैस को हमने देख लिया, गैस में देखा कि जब काइनेटिक मोशन मैक्सिमम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो गैसियस स्टेट है। सॉलिड में हमने देखा कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो काइनेटिक मोशन होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लेस, ठीक है, निग्लिजेबल होता है, ये सिर्फ अपनी जगह पे ही सिर्फ वाइब्रेट होते रहते हैं, ये वाइब्रेशन यही आपका काइनेटिक मोशन कहलाएगा सॉलिड के केस में। इसी तरह गैसियस की बात, गैस का हो गया, सॉलिड का हो गया, अब हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में जो काइनेटिक मोशन होता है वो ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। जैसे आप देख सकते हैं वाटर, ठीक है, तो वाटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो काइनेटिक मोशन है वो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। आप एयर को देख लीजिए, एयर में जो काइनेटिक मोशन है उनके बीच का जो आपके जो एयर में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से उनमें मोशन बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, और इस मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे, काइनेटिक मोशन कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो काइनेटिक मोशन है यही डिवाइड करता है इन तीन फिजिकल स्टेट्स को मैटर के, ठीक है। मेन हमको इस पर फोकस करना है, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो तो ठीक हैं एक तरह से, कि शेप के बेस पे हमने बता दिया, उनके बीच में डिस्टेंस के बेस पे बता दिया, लेकिन जो हमारा चैप्टर का मेन मोटो है वो है आपका काइनेटिक मोशन, ठीक है। हम काइनेटिक मोशन के बेस पे इसको अलग कर रहे हैं, यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड, यानी कि सॉलिड स्टेट की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसकी, सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।
कौन कौन से कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं देखिए सॉलिड में। तो पहला पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, पहला कैरेक्टर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड के कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर हमने बता दिया कि जो आपका इंटर पार्टिकल फोर्स है किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है भाई, तभी तो आपका जो पार्टिकल है वो एक जगह पे ही अटैच है, यानी एक ही जगह पे रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इनके दो एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसी को हम इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखो देखिए तीन तरह के हो सकते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं, एटम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल हो सकता है, और या कि फिर यहाँ पे आयंस हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका कैरेक्टर क्या बता सकते हैं हम, कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, कम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में डिस्टेंस कम होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कम होगी, ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर होता है किसका, सॉलिड का होता है। तीसरे पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेट शेप ऑफ मैटर, यानी कि जो आपका सॉलिड होता है वो डेफिनेट शेप होती है, तीसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे, डेफिनेट शेप, जैसे कि आप देख सकते हैं एक आपका कोई भी आयरन का टुकड़ा हो, ठीक है, आयरन का टुकड़ा देख लीजिए या किसी भी सॉलिड चीज़ को देख लीजिए, उसका शेप फिक्स होता है, ठीक है, यदि वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही दिखेगा, उसको प्रेस करने जाएंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है, वेरिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट देयर ऑन पोजीशन बीइंग इन स्टेबल स्टेट, यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो सभी के उनमें वेरिएशंस होता है, यानी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कॉपर, ठीक है, कॉपर ले लिया और आयरन ले लिया हमने, अब हम देख रहे हैं कि कॉपर के जो एटम्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और जो आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, ये दोनों है तो दोनों मेटल ही, ठीक है, कॉपर भी मेटल में आएगा, आयरन भी मेटल में आएगा, कॉपर भी एटम से मिलके बनता है, आयरन भी मेटल से मिलके बनता है, लेकिन ये क्या मेटल, सॉरी, ये जो आपके एटम्स होते हैं क्या दोनों के सेम होते हैं, नहीं, दोनों के एटम्स की क्वालिटी अलग अलग होगी, तभी तो वो अलग अलग मेटल कहला रहे हैं। यदि दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैरेक्टर एक ही हो जाएगा तो भाई वो फिर अलग अलग मेटल कैसे बनेगा, सोचिए, ठीक है। तो ये हमारा एक फोर्थ नंबर का कैरेक्टर हो गया। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर एक हमें और बता दूँ आपको, कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनमें रिजिडिटी पाई जाती है और नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी पाई जाती है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कठोरपन, ठीक है, कठोरता होती है, यानी आप इनको प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो ये दबता नहीं, जैसे कि मैंने ये मार्कर लिया है तो इसको मैं दबा रहा हूँ ये, लेकिन दब नहीं रहा। रीज़न क्या है, इसमें रिजिडिटी है, ठीक है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कम है, इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, प्रेस नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज़ द नॉन कॉम्प्रेसिबल, यानी कि इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन एक ऐसा फोर्स आ सकता है कि जब हम इसमें लगाएंगे तो ये कंप्रेस तो नहीं होगा लेकिन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए हैं ये सभी सॉलिड के होते हैं, और ये सारे कैरेक्टर आपने शायद पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बताना ज़रूरी था, ठीक है, इंट्रोडक्शन पर हमने इस पर डिस्कस किया। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या हमने इस वीडियो पे पढ़ा है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हमने मैटर को डिस्कस किया, मैटर क्या होता है। फिर हमने दूसरी बात की कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया, काइनेटिक मोशन के बेस पे क्लासिफाई किया। हमने आपको काइनेटिक मोशन के बारे में भी बताया कि काइनेटिक मोशन क्या होता है। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया जो सॉलिड होता है, वो सॉलिड के जितने भी कैरेक्टर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए वो हमने डिस्कस किया। तो ये था थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम अगले वीडियो यानी जो हमारा अगला पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है। तो यदि आपको आज की वीडियो पे कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट करके वीडियो पे बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी इसको भी जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में एक बात और, यदि आपने अभी तक यानी आपको कोई भी आपको बुक चाहिए या आपके पास कोई भी समस्या है, तो हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट की लिंक वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो कृपया करके वहाँ पर जाएँ और उसको क्लिक करके ज्वाइन करें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अब हम आपको क्या करेंगे, कंटिन्यू आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और जल्द से जल्द आपके सिलेबस को खत्म करेंगे। सो तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।